मसाला आलू पूरी बहुत टेस्टी, करारा, मज़ेदार और झटपट बनने वाला आसान नाश्ता। इस नाश्ते की खास बात यह है कि बिना आलू को स्टफ़ किए बस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। चलिए देखें कैसे बनाते हैं। आलू पूरी बनाने के लिए मैंने लिया है मध्यम आकार के 4 उबले हुए आलू। आप अगर बड़े आलू ले रहे हैं तो 2 ही ले। ग्राम में ये 250 ग्राम है। आलू ठंडे है, हम इसे मोटे वाले छेद से कद्दूकस कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का लम्स ना रहे। कद्दूकस कर लिया है, आलू को ठंडा करके ही कद्दूकस करें। आप चाहें तो पतले वाले छेद से भी कद्दूकस कर सकते हैं। अब आलू में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। कुरकुरा बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी डालेंगे यानी रवा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 से 2 हरी मिर्चें, स्वाद अनुसार नमक, 2 चुटकी हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 टेबलस्पून बारीक कटी धनिया पत्ती। आप धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आपकी इच्छा ना हो तो ना डालें। 2 चम्मच तेल, अभी हम 1 चम्मच डालते हैं। सारे सामग्री को हमें अपने हाथों से ही मिलाना है। अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं सूखा सूखा सा है। और इस तरीके से मिलाने के बाद 1 चम्मच करके पानी डालेंगे। बहुत तेजी से गीला होगा, बिल्कुल इसी तरीके से पानी डालिएगा। तो स्टफ आलू पराठा हर किसी को खाना बहुत पसंद है, उससे भी आसान तरीके से आप मसाला आलू पूरी बनाए। बहुत आसान है, बच्चे लंच ख़त्म करेंगे सुबह का भूख, शाम की चाय, अचानक से मेहमान आ रहे हो, कम मेहनत में फटाफट बन जाएगा। और इसके साथ कोई भाजी की ज़रूरत नहीं है, अचार के साथ खाएं काफ़ी है, इतना टेस्टी लगता है। बस 1 चम्मच पानी डाला है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गूंथ चुका है। थोड़ा सा तेल मैंने बचा लिया था, तो जो तेल बचाया था 1 चम्मच, इसे अब इस्तेमाल करेंगे ताकि डो हाथ में बिल्कुल भी ना चिपके। आटा गूंथने में बस 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। आटा गूंथने के बाद हाथ में इस तरीके से बॉल ले और पेड़े की तरह बनाए। तो किनारों को आप देखिए, ये फट नहीं रहा। अगर आपका फट रहा है तो आप 2 मिनट के लिए और गूंथे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखिए। 5 मिनट हो चुका है, हाथ से मिला ले। आप देखेंगे कि काफी नरम मुलायम आटा हो चुका है। किचन सरफेस पे इस तरीके से फैलाएं। आधा डो अभी वापस से रखते। अब हाथ या चाकू से पूरी के आकार का हम डो काट लेते हैं। हाथों से गोल कर लें। आटा सूखे ना, इसलिए किचन टॉवल से ढक के रखें। अब तेल को बेलन पे इस तरीके से लगा लें और हल्का सा सरफेस पे हल्के हाथों से बेलें। अगर गलती से आटा गीला हो भी जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा मिला के सख्त कर लीजिएगा। और पानी का इस्तेमाल बहुत मामूली सा करना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पूरी बन गया। एक प्लेट में रखते जाइए, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। एक हम लोई लेंगे और हल्के हाथों से बेल लेंगे। एक बार में हमें बस 3-4 पूरियाँ बेलनी है, ज़्यादा नहीं बेलना है वरना फूलेगी नहीं। पूरियों को छानते जाएं, बेलते जाएं। चलिए फ्राई करते हैं। पूरियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। थोड़ा सा आटा मैं डाल के दिखाती हूँ। तेल पूरियों को छानने के लिए हमें गर्म चाहिए। अगर तेल ठंडा रहेगा तो पूरियाँ नहीं फूलेगी। अब गरम तेल में हम पूरियों को डालते हैं और इस तरीके से तेल डालें।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी फूला, उलट लीजिए, जैसे ही फूलेगा वैसे ही उलटिएगा, ऐसे निकाल लें। सूजी डाला है इसलिए बहुत ज़्यादा करारी है। फिर से फ्राई करके दिखाती हूँ। पूरी डालिए, फ्लेम हमारा हाई रहेगा और इस तरीके से हम तेल डालेंगे। तो ये भी पूरी फूल गया, सारी पूरियाँ फूलने वाली है और जैसे ही फूले बस उलट लीजिए। कितना आसान है बनाना, गोलगप्पे की तरह करारा है। एक बार में आप चाहें तो दो पूरियाँ भी फ्राई कर सकते हैं। हल्के हाथों से इस तरीके से भी दाबिएगा ना तो पूरियाँ फूल जाएंगी। है ना बहुत आसान। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको एक पूरी तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट फूली हुई है, गर्मा गर्म, बच्चे तो खुश हो जाएंगे और रोज आलू पूरी खाने की डिमांड करेंगे। बहुत अच्छे से पकी हुई है। तो पूरी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है इसलिए थोड़ा सा पिचक गया है। आप इस मजेदार आसान बहुत टेस्टी आलू पूरी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने इजी होम रेसिपीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।